हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक और प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो कि सेम सीरीज का ही है, मॉइस्चराइज का, जो कि आप हमारे स्किन पे देख रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, पहले रैपर हटा करके देख लेता हूँ, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए, मॉइस्चराइज का है हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे स्टोरेज इन्फॉर्मेशन है, ये मार्केटिंग का है, कहाँ पे बना है। इसके अलावा आप ये देख लीजिए क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट है, कैसे यूज करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल के। ये है प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं स्किन लाइटिंग ऑयल है। प्राइस वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, ये देख लीजिए सीरम है। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए पहले से मैं यही रख देता हूँ। चलिए बात करते हैं कि आप भी अपनी पहली डेट की योजना बना रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाना चाहते हैं, या फिर कोई दोस्त हो जिसका जन्मदिन हो और आप अपने चेहरे को लेकर इतने आश्वस्त नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी चेहरे की त्वचा सही नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है जाने में। तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट जो कि हमारे चेहरे की संपूर्ण त्वचा की सफाई करती है और त्वचा को गोरा करने वाले जो मेलनिन है उसको ठीक करती है। तो अब समय आ गया है कि इन सारे प्रोडक्ट और फेयरनेस क्रीम जो कि हमें गोरा बनाने का दावा कर दी थी उसको टाटा बाय बाय कर दें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, पर्सनली यूज भी किया है मैंने। तो ये आपके चेहरे पे रसायनों की एक परत नहीं छोड़ती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं मार्केट में जो आपके चेहरे पे एक लेयर बना देती हैं केमिकल का, और जिससे लगता है कि आप ज़्यादा गोरे होते जा रहे हैं। आपके चेहरे पे मेलानिन की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर देती है। तो ये ऐसी बात नहीं है इसमें, एक ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी जो बेजान त्वचा है उसको ठीक करता है, डार्क सर्कल अगर आ रहे हैं तो उसको ठीक करता है। और इसके अलावा जो भी अगर आपकी जो स्किन है वो अगर डैमेज हो रही है तो ये उसको रिपेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये स्किन लाइटनिंग ऑयल ही क्यों। तो ये 100% प्राकृतिक त्वचा को गोरा करने वाला तेल है जो हाइपर पिगमेंटेशन और अत्यधिक मेलानिन के उत्पादन को ठीक करता है। इसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो त्वचा जो कि त्वचा पर है कि हमेशा एक ताज़ा स्पर्श लाता है और इसे एक स्पष्ट रूप देता है, हमेशा हंसता एक बढ़िया त्वचा। यह त्वचा के लिए ईंधन का काम करता है ये जो तेल है, और यह चेहरे पे हमेशा जीवंतता लाता है, हमेशा फ्रेशनेस रखता है, और आपके चेहरे की जो मेलानिन है उसका जो रंग द्रव है उसके निर्माण को रोकता है, सुस्त रखता है, और जो जिस कारण से जो चेहरा जो धूप में काला पड़ जाता है ये उसको ठीक करता है। क्योंकि बहुत बार हम बाहर घूमते हैं तो ड्राई स्किन हो जाता है डस्ट के कारण, फिर सन के कारण बहुत बार ब्लैक होने लगता है, तो ये जो मेलानिन के कारण होता है ये उसको ठीक करता है। यही वजह है कि स्किन लाइटनिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में। और ये आज से नहीं है, क्योंकि ये जो सूत्र है हमारे वेदों से लिया गया है और ये लगभग 5500 साल पहले से ही लिखा गया है। ये कोई आज से बात नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ये चीज प्रोडक्ट के रूप में आ गई है तो हम इसे जानने लगे हैं। तो मिस्टेज जो स्किन लाइटनिंग ऑयल है ये जैसे कि आपको धूप से होने वाली क्षति जो हो गई है, आपके जो सेल्स हैं वो डेड हो रहे हैं, या फिर रूखी त्वचा हो रही है, त्वचा को प्रदूषण से बचाने के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको टैनिंग में भी मदद करती है, एक समान रंगत देती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चेहरे के आँख के पास एक अलग कलर आ जाता है,
गर्दन के पास कुछ अलग कलर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ों में ये मददगार साबित होती है। साथ ही साथ ये आपके दाग धब्बे को हटाता है, त्वचा को असली चमक प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है जिससे कि त्वचा हमेशा खिलखिलाती रहे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी तत्व हैं। इसमें स्किन लाइटनिंग ऑयल, स्किन डिटॉक्स और भी प्राकृतिक उत्पाद हैं जो कि आयुर्वेदिक हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि हल्दी है, एलोवेरा है, लिकोरिस है, नारियल का तेल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चेहरे के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने ये प्रोडक्ट कभी यूज किया है या फिर आप हमें कोई अपना राय देना चाहते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉमेंट करें। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।